श्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस बार बीजेपी की सीट है पिछले चुनाव के मुकाबले करीब आधी घट गई, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों से सीधे 37 पर पहुंच गई। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ तो खेल ही हो गया, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और इसी तरह से 6 सीटों पर कांग्रेस के खाते में गई। 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी जीती और 1 सीट अपना दल सोने लाल को मिली। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सबसे बड़े लूजर बनकर रहते। मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, यहाँ तक कि किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी मायावती नहीं आई। जबकि साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मायावती के खाते में गई थी। राज्य में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मायावती की पार्टी बीएसपी बनी थी। एक और गौर करने वाली ये भी है कि साल 2019 के चुनाव में बीएसपी के खाते में 19.43% वोट शेयर गए थे और इस बार उसका वोट घटकर 9% पर आ गया है, यानी 10% का नुकसान मायावती को देखने को मिला है। दूसरी ओर बीजेपी का वोट शेयर भी साल 2019 में 49% था और अब वो घटकर 40% पर रह गया, यानी उसे भी कहीं ना कहीं 8% का जो वोट शेयर है उसका नुकसान देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि बसपा का वोट छिटक कर किसको गया है। चुनाव आयोग का डाटा देखें तो पता लगता है कि इस बार में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी को ना सिर्फ सीटों का गेन हुआ बल्कि उसका वोट प्रतिशत करीब आप देखें तो 2 गुना तक बढ़ गया। 2019 में जहां सपा सिर्फ 18% पर थी, इस बार 33% वोट मिला है। कांग्रेस के वोट भी पिछली बार के मुकाबले थोड़ा इजाफा हुआ, पिछली बार 6% वोट था तो इस बार 9%। लेकिन मुद्दा उठता है कि आखिर क्यों। आपको बता दें और आपको याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी की हाल ही में कमान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी थी और आकाश आनंद के उन बयानों के चलते कहीं ना कहीं इस बार मायावती को बड़ा झटका देखने को मिला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार बसपा की 60% जो सीटें हैं वो सपा ने छीन ली है। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां सपा ने जबरदस्त जीत हासिल की और इसी तरह सहारनपुर में कांग्रेस, बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल और नगीना में आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपना परचम लहराती दिखाई दी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में रहा क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की एक बड़ी हार देखने को मिली है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।